छात्रों, आज हम कक्षा 9वीं में विज्ञान विषय में अध्याय 13, हम बीमार क्यों होते हैं, इसका हमने पहला भाग देखा था कि रोग मुक्त और स्वस्थ और में क्या अंतर है, और एक व्यक्ति को स्वस्थ होने के लिए कौन कौन सी परिस्थितियां आवश्यक हैं। अब हम पढ़ेंगे इसका भाग 2 कि जो रोग के कारक, रोग मतलब रोग फैलाने के कारण, जब हम देखते हैं कि कोई बच्चे को मान लो लूज मोशन हो रहा है, तो हम सोचेंगे कि उसको ये बीमारी क्यों हुई। तो मतलब तो हम सोचेंगे कि हो सकता है इसने कोई संक्रमण दूषित जल पी लिया हो, इसलिए वो बीमार हो गया हो। लेकिन हम देखे हैं कि बाकी लोगों ने भी तो वही जल पिया, लेकिन उनको कुछ बीमारी नहीं हुई, उस बच्चे को ही लूज मोशन क्यों हुआ। अब दूसरा कारण हम ये भी मान सकते हैं कि बच्चा स्वस्थ ना हो, पहले से बीमार हो, तो जब ये संक्रमण में आता है संपर्क में, तो वो बीमार हो जाता है और अन्य बच्चे स्वस्थ रहते हैं, और शायद उस बच्चे का पोषण ठीक ना हो। मतलब एक रोग से बहुत सारे रोग जुड़े हुए रहते हैं, तो ये रोग का दूसरा कारण भी हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि बच्चे में अनुवांशिकता, कुछ अनुवांशिक बीमारियां भी होती है, तो वो भिन्नता हो जो रोग कारक के संपर्क में आता है और वो लूज मोशन में प्रभावित हो जाता है। तो कभी कभी अनुवांशिक विभिन्नता भी या कम पोषण भी कोई भी रोग कारक को उत्पन्न नहीं कर सकता है, लेकिन ये इसमें साथ देते हैं, सहयोगी बन जाते हैं। तो अब हम बोलेंगे कि इसको संक्रमण दूषित जल से हुआ, तो वो परिवार जहाँ पर रहता है वहाँ पर दूषित जल उपलब्ध होगा, तो वहाँ की जो लोक सेवाएं हैं, जो नगर निगम नगर पालिका है, हो सकता है उन्होंने वहाँ साफ पानी पीने की व्यवस्था ना की हो। तो इस प्रकार एक रोग होने में कई कारण उसके जुड़े हुए रहते हैं। तो हम देखते हैं कि रोगों के जो लक्षण हैं तुरंत के, और उसमें जो भी सहायक कारण होते हैं रोग फैलाने के लिए, तो कोई एक कारण नहीं रहता है, बहुत से कारण हो जाते हैं। व्यक्ति की इम्यूनिटी पावर, अभी वर्तमान में आप देख रहे हो कोरोना वायरस किसी को होता है किसी को नहीं होता, लेकिन संपर्क में आते हैं, तो सबकी क्षमता, शारीरिक क्षमता क्या होती है, अलग अलग होती है। तो अब हम पढ़ेंगे संक्रात्मक और असंक्रात्मक कारक। संक्रात्मक का मतलब होता है फैलने वाले, और इसका आप उल्टा कर दीजिए, ना फैलने वाले उसको हम क्या बोलेंगे, असंक्रात्मक। आपको ये किताब से पढ़ा रहे हैं पूरा, इसके बाद इसके हम क्वेश्चंस देंगे आप, क्योंकि ये पाठ पूरा पढ़ना बहुत जरूरी है, इसमें कहीं से भी खालिस्तान आ सकता है, सत्ता सत्ता आ सकते हैं, इसलिए आपको पूरा पढ़ा रहे हैं। इसके बाद इसमें से हम प्रश्न निकाल के आपको देंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि तात्कालिक जो वर्तमान में जो कारण है वो भिन्न प्रकार के हो सकते हैं। तो जो संक्रात्मक कारक हैं वो सूक्ष्म जीव होते हैं, जो कि आसानी से हवा से, पानी से, छींकने से, ये या जो व्यक्ति बीमार है, संक्रमित है, उसके संपर्क में आने से ये रोग फैल जाते हैं। तो ये फैलने वाले हैं, और अधिकतर ये सूक्ष्म जीवों के द्वारा फैलते हैं और एक साथ वातावरण में फैल जाते हैं। तो जो फैलने वाले रोग हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे, संक्रात्मक कारक, वो कारण। और असंक्रात्मक मतलब होता है कि जो जो संक्रात्मक नहीं होते हैं, वो व्यक्ति की कुछ आंतरिक विभिन्नताएं, आंतरिक कुछ समस्याएं होती हैं, उन्हें उनके खुद व्यक्तिगत होता है, वो सूक्ष्म जीव नहीं होते हैं उसमें, और वो समुदाय में नहीं फैलते हैं, और ये आंतरिक एवं असंक्रात्मक होते हैं। अब जैसे किसी की पैर की हड्डी टूट गई, तब ऐसा नहीं है कि उस व्यक्ति की पैर की हड्डी टूटी है तो
कोई व्यक्ति उसके संपर्क में आएगा तो उसकी भी हड्डी टूट जाए, ऐसा नहीं है। तो ये है असंक्रामक रोग। कुछ जैसे कैंसर, अनुवांशिक भी रोग होते हैं, उच्च रक्तचाप, ब्लड प्रेशर, अधिक वजन होना, ये सब कुछ रोग ऐसे हैं जो असंक्रामक कारक होते हैं, उनके वो फैलने वाले नहीं होते हैं। तो कारक मतलब कारण, तो फैलने वाले कारक और ना फैलने वाले कारण, आप अपने चारों ओर देख सकते हो कौन सी रोग हैं जो संपर्क से फैलते हैं और कुछ नहीं फैलते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे कारणों के आधार पर रोगों को हम दो भागों में बांट सकते हैं, संक्रामक रोग और असंक्रामक रोग। तो हमें नाम पढ़ना है कि कौन से रोग संक्रामक हैं और कौन से असंक्रामक हैं। तो जैसे कुछ सूक्ष्म जीव होते हैं, जैसे आपने पढ़ा है वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, या आपने जैव विविधता वाले पार्ट में हमने जो आपको पांच जगत बताए थे, तो एक मोनोरा जगत में ये वायरस बैक्टीरिया आते हैं, एक फंजाई जगत फफूंद रहती है, कवक मतलब फफूंद, और कभी कभी प्रोटिस्टा जगत के जीव भी हैं, जैसे प्रोटोजोआ, एक कोशिकीय होते हैं, मलेरिया, मलेरिया नाम भी सुना है आपने, मलेरिया हो जाता है, ये प्लाज्मोडियम नामक सूक्ष्म जीव से हो जाता है, और कभी कभी नेमेटोडा वर्ग के संघ के जंतु होते हैं, कृमि, गोल कृमि। तो ये सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में पहुंच जाते हैं और हमें बीमारी फैलाते हैं, संक्रामक रोग हैं, और एक से दूसरे तक वातावरण में फैल जाते हैं। खांसी, अब देखना कौन कौन से हैं संक्रामक रोग, खांसी जुकाम, इन्फ्लुएंजा, खांसी जुकाम, देखा ना, जब खांसी जुकाम आता है तो अपन उस व्यक्ति से थोड़ा सा दूर रहना चाहिए। डेंगू बुखार, ये भी एक प्रकार की मच्छर के काटने से होता है। एड्स, ये भी ये भी व्यक्तिगत फैल जाता है। कुछ रोग जैसे टाइफाइड, ये भी संक्रामक रोग है। हैजा, जिसमें लूज मोशन होते हैं, टीवी, क्षय रोग, और एंथ्रेक्स बैक्टीरिया द्वारा ये फैल जाते हैं। कभी कभी कुछ त्वचा में भी रोग उत्पन्न हो जाते हैं, त्वचा में भी चकते हो जाते हैं, या कोई खुजली टाइप की हो जाती है, तो ये भी त्वचा में फंजाई, फफूंद द्वारा फैलते हैं। प्रोटोजोआ से एक मलेरिया, प्रोटिस्टा जगत का एक सूक्ष्म जीव है, प्लाज्मोडियम उसका नाम है, ये मलेरिया उसी से फैलता है, प्लाज्मोडियम। एक कोशिकीय जीव है ये। कालाजार भी ट्रिपेनोसोमा नामक एक सूक्ष्म प्रोटोजोआ है, एक कोशिकीय से भी होता है। और कभी कभी पेट में कीड़े हो जाते हैं, आपने देखा छोटे बच्चों का पेट दुखता है, या खाना भी खाते हैं तो उनके शरीर में ठीक तरीके से पहुंच नहीं जाता है, क्योंकि ये जो कृमि है ये हमारे पाचन शक्ति को कमजोर कर देते हैं। एक रोग और होता है फील पाँव, इसको हाथी पांव रोग भी कहा जाता है, एंड इसका इसमें पैर हाथी जैसा मोटा हो जाता है, वहां पर कोई सूक्ष्म कृमि है वो त्वचा में चले जाते हैं। तो हम ये सब फैलने वाले रोग हैं, और अब हम ये जो फैलने वाले रोग हैं इनके उपचार की विधियां भी हैं। कई बार कुछ विधियों को हम टीके के रूप में, वैक्सीन के रूप में इनको लगा देते हैं, और इन वर्गों के जो प्रत्येक सदस्य हैं, अब हम पढ़ेंगे थोड़ा सा वायरस और बैक्टीरिया के बारे में। वायरस भी एक कोशिकीय है और बैक्टीरिया भी एक कोशिकीय है, और ये परपोषी है, परजीवी है, मतलब दूसरों के शरीर में पहुंचकर ही उनसे अपना पोषण लेते हैं, लेकिन बैक्टीरिया में ऐसा कमी होता है। वायरस, बैक्टीरिया तथा फंजाई में गुणन, मतलब इनको अपने आप में अपनी संख्या बढ़ाने में बहुत तेजी से हो जाता है। अब हम देखेंगे कि कुछ एक ये एक सार्स बैक्टीरिया है, आप देख रहे हो, ये बहुत ही छोटे होते हैं, इनको हम नैनोमीटर से नाप सकते हैं, बहुत ही छोटा भाग है जो कि एक माइक्रोमीटर का आधा होता है,
और इससे हम देख सकते हैं कि ये कोशिकाओं में बहुत तेजी से क्या करते हैं, गुणन करते हैं और तेजी से फैल जाते हैं। एक प्रोटोजोआ है ट्रिपेनोसोमा, यदि ये शरीर में पहुंच जाता है तो नींद आने की बीमारी हो जाती है, निद्रालु व्याधि, एक रोग है निद्रालु व्याधि। तो ये ऐसे आपको दिखाई देंगे, और ये मतलब ऑर्गाज हेल्थ एंड साइंस यूनिवर्सिटी यूएसए चित्र लिया गया है। तो ये हमारे शरीर में पहुंच जाते हैं और हमें निद्रालु, निद्रा रोग से संबंधित एक बीमारी उत्पन्न करते हैं। एक और है लैशमानिया, उससे कालाजार नामक रोग हो जाता है। ये भी लैशमानिया भी एक प्रोटोजोआ है, और इसमें ये प्रोटोजोआ, इसमें एक चाबुक नुमा एक रचना पाई जाती है, ये भी हमारे शरीर में कालाजार बीमारी उत्पन्न करता है। ये देखिए सूक्ष्म जीव गोलकृमि, ये दिखाई भी देते हैं, ये भी हमारी छोटी आंत में पहुंच जाते हैं और परजीवी होते हैं और हमारे शरीर में खून चूसते हैं और हमें रोग से पीड़ित करते हैं। तो इसके पहले हमने बताया था कि जो वायरस हैं, जीवाणु हैं, फफूंद हैं, इनमें गुणन करने की क्या होती है, क्षमता तेजी से होती है। जो कृमि होते हैं उनमें गुणन थोड़ा धीमे होता है। तो सभी बैक्टीरिया एक दूसरे से वायरस की अपेक्षा निकट होते हैं, मतलब बैक्टीरिया बैक्टीरिया में क्या होता है, आपस में समानता पाई जाती है। ऐसे वायरस वायरस में भी आपस में, तो कई प्रकार के वायरस होते हैं, तो हम कह सकते हैं कि अनेक जैव प्रक्रियाएं होती हैं जो वो सभी बैक्टीरियाओं में क्या होती हैं, समान होती हैं, लेकिन वायरस वर्ग से क्या होती है, भिन्न। मतलब वायरस वायरस में समानता होगी और बैक्टीरिया बैक्टीरिया में क्या होगी, समानता होगी। तो कभी कभी जो दवाइयां बनती हैं, औषधि मतलब दवाइयाँ, तो जो किसी वर्ग में किसी एक जैव प्रक्रिया को रोकती हैं तथा वह उस वर्ग के अन्य सदस्यों पर भी इसी प्रकार का प्रभाव डालेंगी, लेकिन कहीं वही औषधि अन्य वर्ग से संबंधित रोगाणुओं पर कोई प्रभाव नहीं डालेगी। तो हमें अपने मन से दवाई नहीं लेना चाहिए। बैक्टीरिया और वायरस ये अलग अलग चीज है। बैक्टीरिया मतलब जीवाणु, बैक्टीरिया मतलब जीवाणु और वायरस मतलब विषाणु। तो हम जब कोई एंटीबायोटिक दवाई लेते हैं, जो कि बैक्टीरिया से बनी हुई है, तो ये क्या करते हैं, बैक्टीरिया के महत्वपूर्ण जैव रासायनिक मार्ग को क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। और बैक्टीरिया क्या करते हैं, अपनी रक्षा करने के लिए यदि उनको कोई मार रहा है तो बैक्टीरिया उसके चारों ओर एक क्या बना लेते हैं, कोशिका भित्ति। आपने एक नाम सुना होगा पेनिसिलिन, एक एंटीबायोटिक एक दवाई है पेनिसिलिन। इसको एक वैज्ञानिक थे, पेनिसिलिन नाम था उनका, बाद में उन्होंने खोज की थी। तो एंटीबायोटिक बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति बनाने वाली प्रक्रिया को ये क्या कर देती है, बाधित। मान लो जो बैक्टीरिया है ये, जब इस पर इसको हम पेनिसिलिन का उपयोग करते हैं, इस पे किसका उपयोग करते हैं, पेनिसिलिन। तो ये क्या करती है, कोशिका भित्ति को बनाने से क्या करती है, रोकती है, और बैक्टीरिया अपनी कोशिका भित्ति नहीं बनाता और सरलता से क्या हो जाता है, मर जाता है। तो मानव की कोशिकाएं भित्ति नहीं बना सकती, इसलिए पेनिसिलिन का प्रभाव हम पर नहीं होता। पेनिसिलिन ऐसे सभी बैक्टीरिया को प्रभावित करेंगे जिनमें कोशिका भित्ति बनाने की क्या होती है, प्रक्रिया होती है। तो हम देखते हैं कि एंटीबायोटिक बैक्टीरिया की अनेक स्पीशीज को प्रभावित करते हैं, न केवल एक स्पीशीज को। और वायरस में ऐसा नहीं होता है, कोई भी एंटीबायोटिक जो वायरस होता है वो फैलने पर, संक्रमण पर कोई भी फायदा
नहीं करता। यदि हमें खांसी जुकाम है और हम एंटीबायोटिक लेंगे तो रोग की जो तीव्रता है उसकी समय अवधि कम नहीं होती। यदि वायरस संक्रमित खांसी जुकाम के साथ बैक्टीरिया संक्रमण होता है तब एंटीबायोटिक का उपयोग लाभदायक होता है। तो एंटीबायोटिक बैक्टीरिया संक्रमण पर ही उपयोगी होगा, ना कि वायरस संक्रमण पर। ये दोनों चीजें अलग-अलग हैं, तो हमें ये एंटीबायोटिक लेते समय ध्यान रखना चाहिए कि उसमें वायरस संक्रमण ना हो। ये दोनों हो तो फायदा करेगा, यदि वायरस संक्रमण है तो ये एंटीबायोटिक हमें फायदा नहीं करेगी। अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं। ये आपको इन प्रश्नों के उत्तर तैयार करना और लेसन को बहुत अच्छे से पढ़ना है। धन्यवाद।